हेलो जी, राम राम जी। तो दोस्तों बताइए कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है देव थ्री सिस्टर्स में। तो गाइज कीजिए अपने दिन की शुरुआत हमारे साथ में एक नए ब्लॉग में। देवजी की बात सुन लीजिए, बोल रही कि अम्मा जी को तो ले लो वीडियो में, तो ना गाइज मिली अम्मा जी से भी बच्चों की। और बच्चे हो चुके हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। प्रीत आ जाओ आप भी। राम राम जी बोलो। राम राम जी। राम राम जी बोलो। गाइज आज है सैटरडे, बच्चे लेके जा रहे। आज आपको ना मैं व्हाट्सएप पे एक नई चीज दिखाती हूं। क्या दिखाते हैं? न्यू फीचर। वो अभी सबको इसका ये जो होता है ना, इसके ऊपर ये जो सर्कल आता है ना, न्यू रिंग, तो इसको ना खोलते है ना, तो आप यहाँ से इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये आपको हर चीज का आंसर देगी। जैसे मैंने इससे पूछा था, मैंने पहले इसको बोला हाय, इसने बोला हाय इट्स नाइस टू मीट यू। ठीक है ठीक है। तो गाइस रुको रुको रुको, मैं समझाती हूँ। रुको रुको मैं समझाती हूँ। तो गाइस देखिए, ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही ना ब्लू, ये आया है व्हाट्सएप में न्यू फीचर। जो काम हम YouTube पर जाकर करते थे, जो भी हमें सर्च करना होता था, अब हम इसको क्लिक करेंगे, यहीं से जो भी हमें सर्च करना है वो करेंगे। तो ये काफी काम की चीज आ गई व्हाट्सएप पर न्यू फीचर। चलो चलो, अब लेट होने लग रही। तो गाइस टाइम देखिए, 6:30 बजने वाले हैं, पूरे 6:30 होने वाले हैं 5 मिनट में, क्योंकि हमारी ये घड़ी 5 मिनट पीछे चल रही है। तो भैया अब बच्चे रेडी हो गए, अभी इन्हें छोड़ने जाएंगे नीचे। और दिशु लंच में क्या लेके? अच्छा, सुबह ही हैंडशेक हो रहा। इससे पूछा है व्हाट इज द मीन्स ऑफ सन साइन, इसने आंसर भी दिया है। अच्छा ठीक है, व्हाट अ लवली क्वेश्चन। काफी लंबा आंसर दे है ना। चलो ठीक है। अच्छा क्या लेके जा रहे लंच में आज, बता दो सबको। क्या क्या लेके जा रहे सारा बताओ। तो क्या क्या लेके जा रहे भाई नाश्ते में आज लंच में? बाय दादू तो जा रहे, मैं क्या हूँ, दादू के साथ चले जाओ। स्पीच की होगी तैयारी सारी? भगवान कैसे चलो। तो गाइस बच्चों को नीचे, देवशी को तो छोड़ने गए उसके दादू, प्रीत को छोड़ने जाऊंगी मैं। और सामान देखो इन्होंने कैसे फैला दिया, इनके जाने के बाद लगेंगे रोबोट बन के। मैं पकड़ू तो भाई देखिए प्रीत के हो रहे दो बैग, और ये वाला काफी हैवी हो रहा है क्योंकि लंच बॉक्स वगैरह हो जाता है। और ये है स्विमिंग का बैग, क्योंकि इसकी होगी आज भैया स्विमिंग, तो इसके बैग में रख के आऊंगी नीचे। तो भाई देखिए बच्चे भी आगे रेडी होके, और देवशी आई बच्चे को इधर घुमाने के लिए। क्या लो आप यहाँ से? अच्छा तो भाई देखिए बच्चों की गाड़ी आ गई, और कल देवशी की रह गई थी गाड़ी में बोतल, तो अभी उसको देखते हैं मिलती है या नहीं। और हल्की हल्की बौछार सी भी आनी शुरू होगी। तो भाई देखिए बोतल तो मिल गई देवशी की, गाड़ी में ही छुट्टी थी ना इसलिए मिल गई। हाँ तो भाई देखिए बच्चों के जाने के बाद हल्की हल्की सी बूंदे भी आनी शुरू होगी, और देवस की बोतल जो कल बस में रह गई थी वो भी मिल गई। तो आज तो वो दूसरे वाली लेगी, कल दे देंगे इसको, क्योंकि इसके बिना वो दूसरी बोतल लेके जाना पसंद नहीं करती। तो भाई देखिए बच्चे तो चले गए स्कूल, और आज है शनिवार। शनिवार में पूजता है गाँव में खेड़ा और भूमिया, तो भैया उसके लिए बनते हैं घर में पूड़े और पकौड़ी। तो पकौड़िया तो बना दी, और ये बनाए हमने उससे बैंगन से पनीर के पकोड़े।
तो गाइस आप भी सीखिए बैंगन से पनीर के पकोड़े कैसे बनते हैं, उसकी रेसिपी मम्मी जी बतावेंगे आपको। मैं क्या बताती, तेरे पापा तेरे पापा को सुनोगा कैसे बनाया आपने। बैंगन काट के बेसन में घेर लिए, तो बैंगन काट के बेसन में डाल दिए, जैसे आलू की पकौड़ी बनाए, फिर में बन गए खाने में टेस्ट आ गया उनका पनीर का। तो हमने बनाए आज बैंगन से पनीर के पकौड़े, जो झटपट तैयार हो गए, मिनट भी नहीं लगी पनीर बनने में। और ये इधर मीठे पूरे जो पूजते हैं खेड़े पे, और उस पे जाएंगे तो भाई जब ये पूजन के लिए जाएंगे तो इसलिए पहले पकौड़िया उतार दी, और बेसन के और बैंगन के और पनीर के पकौड़े दे दी गई थी, थोड़े से बनाए क्योंकि पनीर के ज्यादा महंगे हो जाना, इसलिए थोड़े ही बनाए थोड़े ही खाए जाना पनीर के, फिर हैवी हो ज्यादा। देखिए पूजने का सामान तो हमने इसमें लगा दिया सब, सीधा वगैरह भी जाता है जो, इसमें लगा दिया इसमें जल और ज्योत वगैरह सब रख दी हमने, इसमें पैक कर दी। और अब मम्मी जी को देकर आएंगे नाश्ता। चाय ला रही हूँ। तो गाइस देखिए मौसम हो चुका है एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल, और भैया पापा जी गए हुए हैं गांव में पूजन के लिए, जो हमने सुबह पूड़े और पकौड़ी बनाए थे, पूड़े पूजते हैं और सीधा वगैरह जाता है, तो वो लेकर गए हैं पापा जी घूमिया खेड़ा महाराज पे। तो गाई जी मैं तो गई नहीं इस बार क्योंकि आशीष जी दो दिन से ऑफिस में ही है, वे घर पे भी नहीं आए, उनके ऑफिस में चल रहा है बहुत बड़ा इवेंट, तो मैं तो वहाँ पर है। तो गाई जी अब बस थोड़ा सा काम वाम करेंगे, काम निपटाएंगे क्योंकि बारिश का पता नहीं, देखिए किसी भी टाइम आ सकते हैं, सुबह से दो तीन राउंड ले भी चुकी है बारिश। तो जी अब सबसे पहले थोड़े से कपड़े प्रेस क्योरे प्रेस कर लेते हैं, फिर खाना वाना बनाएंगे। और खाना क्या बनाएंगे गाइस, दाल चावल बनेंगे क्योंकि जब गांव में भूमिया खेड़ा महाराज का पूजन होता है जिस दिन, तो उस दिन घर में तवा नहीं रखा जाता, रोटियां नहीं डलती, सिर्फ चावल ही बनते हैं, तो जी वही बनाएंगे दाल चावल सबके लिए। देखिए जो जग होती है गाँव में अभी वो चारों तरफ होती है, गाँव के चारों तरफ, तो वो कर रहे, देखिए चलिए दिखाते हैं आपको। पानी की दाल दी जा रही है, और ये देखिए देवशी का तो डांस भी हो गया। तो भाई देखिए बच्चों के डैडी आ गए, दो तीन दिन से अपने ऑफिस में बिजी हो रहे थे क्योंकि इनके ऑफिस में चल रहा था इवेंट। तो कैसा रहा आज, खत्म हो गया या अभी चलेगा? हाँ खत्म हो गया इवेंट। अच्छा कैसा रहा? बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। आज स्वामी जी के दर्शन हुए? हाँ स्वामी जी के दर्शन हुए आज। अच्छा पहले स्वाचार्य जी के हुए थे और आज भी आचार्य जी के हुए थे। अच्छा आचार्य जी ने दिया था। अच्छा पहना दो। तो भाई स्वामी आचार्य जी ने माला दी रुद्राक्ष की, पहना दो। पति देव ने फिर से पहना थी माला। और बच्चे अभी ट्यूशन से आए नहीं क्योंकि पति देव सुबह ही निकल गए थे, तो इसलिए वैसे तो दो दिन में ही लगा लो, दो दिन में घर पे आए। तो जी हमें मिल गई माला, देखिए गाइस गिफ्ट है हमारे लिए, तो रुद्राक्ष की कितनी प्यारी माला, एक पिछले साल भी लाए थे वो, तो इतने मोटे मोटे रुद्राक्ष की थी वो, तो काफी याद है काफी। आई ना गाइस देखिए बच्चों के डैडी ने पिनाई माला जो उनको दी स्वामी जी ने, नहीं आचार्य जी ने, आचार्य बालकृष्ण जी ने। तो भाई देखिए कितनी प्यारी माला लग रही, आप पहन लो, लो रुद्राक्ष की लो। तो भाई मम्मी जी पहनेंगे रुद्राक्ष की माला, एक पिछले साल आए थे वो, इतने मोटे मोटे रुद्राक्ष की नहीं। अच्छी बड़ी। तो भाई देखिए मम्मी जी ने पहन ली माला रुद्राक्ष की, बढ़िया वाले रुद्राक्ष है, खराब नहीं होते ही। बढ़िया पता भी नहीं चलता पहन के, बोले मैं ऐसा नहीं की जैसे भाई रुद्राक्ष है तो वेट सा हो, बहुत हल्की सी। तो भाई देखिए हमें तो मिल गया मम्मी जी को और मुझे तो गिफ्ट मिल गया। मम्मी जी ने डाल ली, मैंने मम्मी जी को दे दी, मम्मी जी पहनेंगी, मेरे से तो पहन नहीं जाती, जब लेट है तब पहन नहीं जाता कुछ भी, मैंने तो अपनी भी सारी निकाल रखी, गले में से पहन नहीं जाता। रुद्राक्ष की माला पहनने से बीमारियां भी नहीं होती।
बीमारी से बचाओ, बीमारी तो पहले ही बड़ी थी, पहले ही इकट्ठी हो रही, अब आगे कोई नई बीमारी नहीं आने की, बीमारियों तो बढ़िया तेरा गया तो क्या राम, बीमारी तो कब क्या लग जाए पता नहीं चलता, बिना खाने को देख चली जा रही थी कितनी अच्छी थी, हाँ कितनी अच्छी कितनी सुंदर लगक रही थी। तो भाई जी हिना खान जिसे हम सब अक्सरा के नाम से जानते थे, आप सब ने भी देखा होगा कितना कितना अच्छा सीरियल लगा रहा था उसका, वो आख रहा था ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो भाई उसको हो गया ब्रेस्ट कैंसर, तो वो इस टाइम है थर्ड स्टेज पे, ट्रीटमेंट तो चल रहा, बाल वाल भी कट गए उसके, कीमोथेरेपी हो गई उसकी। तो भाई बहुत तो चलिए दिखाएंगे हम आपको उसके बारे में। तो भाई देखिए मौसम फिर से कितना खराब हो चुका है जी, काले काले बादल गिर के आ चुके हैं, और अब देवशी ने पहन ली वो माला जो मम्मी जी को पहनाई थी, पहले बच्चों के डैडी ने मुझे पहनाई, मैंने मम्मी जी को पहनाई और मम्मी जी पहना गई देवशी को, मम्मी जी नीचे चली गई। तो भाई देखिए अब देवशी लेगी माला की बाहर, है ना बेटा कैसी लग रही है आपको? और देवशी की थोड़ी सी आज गई तबीयत ढीली सी लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम सा हो गया हो हल्का सा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा ना। टेबल, हाँ थ्री का टेबल है, अच्छा किसका है? अच्छा चलो ठीक है। 36 साल की टीवी एक्ट्रेस हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, उनका ये कैंसर थर्ड स्टेज पर है। हिना खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर बताया कि उनका इलाज शुरू हो चुका है और ठीक होने के लिए वह जो भी हो सकेगा करेगी, ऊपर वाले की कृपा से हम सबको यकीन है कि मैं इस चैलेंज से उभर आऊंगी और पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाऊंगी, प्लीज दुआएं आशीर्वाद और प्यार भेजिए। आए जे कदे तब जाए ना रबा।